कि जी बैरूस अलाउडनेस के लिए रिक्वायरमेंट एक्चुअली में है क्या। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी यूनिक होने वाली है क्योंकि आज हम एक्चुअल डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा कंप्यूटर की। आज हम हामबुक की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि जी बैरूस अलाउडनेस के लिए रिक्वायरमेंट एक्चुअली में है क्या। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हमारी लिस्ट में लिखे हुए हैं कि एक्चुअली में आप इंडिया में अरेंज करेंगे कैसे, और ये सारी मेहनत, जितनी भी सारी बातें हो रही हैं, जितनी भी सारी डॉक्यूमेंट्स की बातें हो रही हैं, ये आप जर्मनी आने से पहले इंडिया में मेहनत करके आएंगे ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। चलिए शुरू करते हैं। LPA हामबुर्ग, लैंडेसप्रूफिंगसामट, हामबुर्ग टाइप करिए, आपका ये आएगा यहाँ पे। ये है वेबसाइट जब आप देख रहे हैं। इस वेबसाइट, मतलब आप समझिए ये दिल्ली मेडिकल काउंसिल या फिर यूपी मेडिकल काउंसिल की तरह है। ये वेबसाइट स्टेट पर निर्भर करती है। चलिए ह्यूमन मेडिसिन में जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन के लिए ही मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ह्यूमन मेडिसिन में है। चलिए नीचे चलते हैं। ये कैटेगरी अप्रोबेशन स्टूडियम इन एयू आउसलैंड और ड्रिचस्टट। अब ड्रिचस्टट वो लोग हुए जो यूरोप के बाहर पढ़ाई कर कर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तीसरा फॉर्म यहाँ पर, फॉर्मुलार टू बी अंट्रागुंग एन बैरूस अलाउडनेस, इस पे आप क्लिक करोगे। आउसबिल्डुंग आउसर हाल्ब डे एयू एंड डर श्वाइज, तो हम आउसर हाल्ब हैं, माने पूरे वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ यूरोप। अब इसकी लाइन पर हम बात करना शुरू करते हैं, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ। वो पहली चीज ये है, ये सेंटेंस दी अर्टाइलुंग डे बैरूस अलाउडनेस फॉर क्रिम जेट्सलिश नुआ ऑफ अंट्राग फिल लिंक्सटेंस ट्वायर्न, मतलब बैरूस अलाउडनेस आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स तक के लिए दिया जाता है। अब इस 2 साल के अंदर आप एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं, और इन 2 साल जिसमें आप काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो साइमल्टेनियसली अप्लाई फॉर एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, जो कि एडमिस प्रूफ और फास्ट कार्ड प्रूफ है, उसके लिए एक वेटिंग लिस्ट होती है। अब आपका नंबर 6 महीने में आता है या 1 साल में आता है, तो आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं ना, मेडिसिन से बाहर तो नहीं चलेगा, 1 साल घर पे बैठ के वेट तो नहीं कर रहे। आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेट्स से इंडिया के हिसाब से एज अ JR काम कर रहे हैं, ये जो टाइम आप बैरूस अलाउडनेस के साथ काम करना शुरू करेंगे वो काउंट नहीं करेगा आपकी PG के थ्रू, बट स्टिल आप काम कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आप सब्जेक्ट्स नहीं भूल रहे, तो आप कंटिन्यूअसली इन टच हैं मेडिसिन के। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आप पैसे कमा रहे हैं, एंड उतना ही पैसे कमा रहे हैं जितने मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने मेरी वीडियोस अगर नहीं देखी सैलरी के बारे में, तो आप तो देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक मिलेगा ये रहा, और इसमें हमने बात करी है कि आप एज अ PG कितने पैसे कमा सकते हैं, और एग्जैक्टली यही पैसे आपको बैरूस अलाउडनेस के साथ भी कमाने को मिलेंगे। मतलब यू कैन अफोर्ड अ गुड लाइफस्टाइल, और आप 7 बरसात काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कमा सकते हैं, वेट करते करते एग्जाम की डेट्स के लिए, मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दी अर्टाइलुंग देयर बैरूस अलाउडनेस विद येनाक बे अरबाइटुंग्स ऑफ वनर फेवाल्टुंग्स के ब्यूट स्पेशन सीपसिश उन द्राय हुंडर नोयन सिश ए होवन, तो मेरे लिए इन्होंने कितने लिए थे, 300 यूरो लिए थे। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, बट ये लिमिट है 390 यूरो तक की। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। डिमांट्रैक्स एंड फॉग एंड उंटरलागन, ये है हमारे काम की चीज। उंटरलागन मतलब डॉक्यूमेंट्स, पुंक्ट आइंस बिस्फ्यूनसेन की आइंस सुराइशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्होंने अंडरलाइन किया, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं, जो कि इंडिया से अगर आपने MBBS किया तो आपको डॉक्यूमेंट इंग्लिश में मिलते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स, अभी हम लिस्ट पे जाएंगे, 1 से 15 की लिस्ट है। अभी हम भाषा की बात करें, और वो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर होके आप लेकर आएंगे, अपने ओरिजिनल साथ लेके जाके, और 2 कॉपी या 3 कॉपीज फोटोकॉपीज उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की साथ लेके जाके उनको दिखा सकते हैं। वो ओरिजिनल देखेंगे, फोटोकॉपी रख लेंगे। अगर इंग्लिश में है तो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इंग्लिश में है तो आपको स्टैम्प करवा कर ला कर कि भाई हाँ ये एक्चुअली में सही डॉक्यूमेंट्स है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसे ही आम्फ्लिश बेगलाव का कॉपी की ज़रूरत नहीं है। अगर इंग्लिश के अलावा और जर्मन के अलावा किसी भी और भाषा में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एक स्टेप बढ़ जाता है। उसके लिए आपको फिर आम्फ्लिश बेगलाव बिक्टर कॉपी प्लस ट्रांसलेशंस लेकर आने की जरूरत है। अब नीचे लिखा हुआ है कि आम्फ्लिश उरकुंडन दी आउसहाल फॉर डॉयचलैंड एस्टेल वॉर्नजन म्यूसन डॉयचलैंड अपोस्टील ओडर लीगलाइजेशन बिस्टेटिश साइन, और फिर ये लिंक दे रखा है जिसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि जर्मनी में कहां कहां पर ये सर्विस आपको ऑफर हुई है। ये पैसे देकर सर्विस होती है, पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से सर्विस होती है। इवन दो वो आउसर हाल फॉर डॉयचलैंड रजिस्टर्ड है, अगर वो इंग्लिश में है तो हामबुर्ग स्टेट उन्हें वैसे का वैसे एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट ट्रांसलेशन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। चलिए आगे चलते हैं।
बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करना शुरू करते हैं। 1-15 फर्स्ट अंतराग में एक्लेयर होंगे बाय अनहैंगिंग अ स्ट्राफ एंड मेट लुक्स बाय फार्न फॉरड्रुक आइंस। नीचे एक कॉपी दे रखी होगी फॉरड्रुक आइंस जो कि आपको भर के देना है। ये दिस इज अंतराग ना, तो फॉरड्रुक आइंस मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला आपको भर के देना है और उसके अंदर चीज़ें टिक करनी है, फिर आपको पैसे के बारे में प्लस आपकी डेट और उंटरशिप। नेक्स्ट खुद से लुकन लोज और लेबन्स लाउफ मिट डाटुम और उंटरशिप। अब लेबन्स लाउफ मतलब सीवी आपका हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए सीवी पहले भेजना इंपॉर्टेंट है, जॉब एप्लीकेशन के लिए सीवी भेजना इंपॉर्टेंट है, पर बेरूस लाउडनेस के लिए अप्लाई करने के लिए भी आपको सीवी चाहिए। अब सीवी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा एक अगली वीडियो में, बट यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी सी इसके बारे में बात ज़रूर करी थी, आप वो एक बार देखिए, ये लिंक वापस ऊपर आने वाला है, पर मैं फिर डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सीवी बनता कैसे है। अगर आप जानना चाहते हैं और अगर आप एक्साइटेड हैं ये डॉक्यूमेंट कैसे बनता है और आप कैसे बनाएं, नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि हाँ आप ये जानना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हुआ गिवोट्स ओखुंडर मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा के डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आने हैं। फोर्थ हुआ इडेंटिटेट्स बिशाइनिंग मतलब राइज़ ए पास मतलब पासपोर्ट। नेक्स्ट वॉज स्ट्राफ्स रजिस्टर आउस सूक आउस दिम हाई मार्ट और हैकुंसलान मतलब अगर आपको कभी पुलिस ने पकड़ कर जेल में डाला था या कोई आपने फाइन पे किए हैं तो उसकी उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और इनको दिखाइए। दिस इज नॉट नेसेसरी मत करना अगर कुछ हुआ भी था तो, उनको कहाँ से पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एम प्रेशियस फ्यूरम सोइग्नस डे बिलिंग एट 0B। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना ये होता है फ्यूरम सोइग्नस मतलब यहाँ की पुलिस चेक होगा कि आपको यहाँ पर तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ कर जेल में डाला, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए आप फ्यूरम सोइग्नस के लिए अप्लाई करते हैं, 14 या 15 यूरो लगते हैं उस चीज़ के और वो डायरेक्टली लैंडस प्रूफ्स आर्म को भेज दी जाती है और ये तब आप अप्लाई करेंगे जब ये आपसे मांगेंगे। सो नूअर नाक आउट फॉर्डरूम दिस लैंडस प्रूफ आप दिस इसीलिए इसको इमीडिएटली नहीं अप्लाई कर दिया जाता कि अगर 3 महीने से ये ओल्डर हुआ तो ये वैलिड नहीं है, तो जब आपसे मांगा जाएगा वो डायरेक्टली आपसे मांग लेंगे डॉक्यूमेंट, तब आप जाकर अप्लाई करिए और विद इन 2 वीक्स ये बन जाता है। नेक्स्ट 7th point इज एथलिश बिशाय निगम फॉरड्रुक स्वाय यू आर मेडिकल सर्टिफिकेट। नहीं चलते हैं फॉरड्रुक स्वाय, अंतराग के बाद आता है फॉरड्रुक स्वाय, कहाँ है भाई तू, ये रहा एथलिश बिशाय निगम फॉरड्रुक स्वाय। इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप फिट हैं या नहीं, तो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो आपको चेक करेंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे कि हिस्ट्री लेंगे, बेसिक सा बड़ा टेस्ट होता है और फिर यहाँ पे स्टैंप लगा देंगे कि हाँ जी आप फिट हैं काम करने के लिए। ये जर्मनी में ही कराना है ना फोर डुक्स वाई जो है, तो ये भी 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द शायद नहीं कहूँ फमिलियन अंग है और एगन वेर निशाना खान मतलब आप अपने अगर आपकी बीवी या आपका पति डॉक्टर है उनसे लिखवा रहे हैं वो अलाउड नहीं है। हाउस आर्ट से करवाया जाता है और जब ये बेरूस सलाम उसको मिलने लगेगा तब 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन नंबर आउस बिल्डिंग्स नाकवाइस मतलब डिप्लोमा मतलब MBBS का सर्टिफिकेट कि जी आप डॉक्टर हैं। अगेन अगर ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज लेकर जाना। नेक्स्ट चीज अब ये जो ये नंबर 9 है इंडिविजुअलाइज्ड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जनरली इंडिया में नहीं स्टैंडर्ड नहीं मिलता तो ये आपको बनवाना पड़ता है। दैट इज वाई मैं आपको ये अब बता रहा हूँ ताकि आप जर्मनी में जाने से पहले ये बनवा सकें, कि जर्मनी में बैठ के इंडिया से ये लेना बड़ा मुश्किल है। मैंने इसके लिए तब अप्लाई किया था जब मैं जर्मन C1 सर्टिफिकेट ले चुका था, हॉस्पिटेशन मेरी कन्फर्म हो चुकी थी, 2 महीने रह गए थे बिफोर माई फ्लाइट, तो इस 2 महीने में मैं ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता था क्योंकि इतना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स बनने में। और ये ऐसे देखने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कौन सा सब्जेक्ट में कितने थ्योरी और प्रैक्टिकल और टोटल कितने आवर्स स्पेंड किए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये नहीं मिलती बट आपको ये बनवानी पड़ती है। सो लेट्स लुक एट माई ट्रांसक्रिप्ट, ये रही मेरी ट्रांसक्रिप्ट जो मैंने फिर बनवाई थी, अपने प्रिंसिपल से फिर साइन भी करवाई थी। मैंने आपको बताया था मैंने UCMS में MBBS ख़त्म किया है, तो वो UCMS GTB अस्पताल दिलशाद गार्डन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ला 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 फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी फिजियो बायो केम केम ला 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 ये रे घंटे, सेकंड सेम में थर्ड सेम में कितना किया स्टैम, फोर्थ सेम में फिफ्थ सेम में कौन से सब्जेक्ट्स किए, सिक्स सेम में सेवन्थ एट्थ, फिर नीचे नोट में ये भी लिखा कि एवरी वीक 6 वर्किंग डेज का होता है,
every day consists of 3 hours of hospital posting and every hour is of 60 minute duration. ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर या फिर अलग आपको नाइन सेमेस्टर, क्योंकि हर कंट्री में ये डिटेल वेरी कर सकती है. हर घंटा हमारा एक घंटे का होता था बट जर्मनी में वो 45 मिनट का होता है, इसलिए ये भी लिखना ज़रूरी है कि आपके आवर्स का मतलब है क्या. फाइनली प्रिंसिपल से आप ये स्टैम्प करवाएंगे, कॉलेज की सील लगेगी और फिर ये लेकर आएंगे. दिस इज़ व्हाट अ ट्रांसक्रिप्ट इज. अब आपको ये खुद जाकर बनवानी पड़ेगी और ये लिखवानी पड़ेगी, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग जाता है. मेरे को ये बनवाने में 4 हफ्ते लग गए थे. प्रिंसिपल के कमरे के बाहर बैठ के वेट करते रहो, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, फिर वेट करते रहो, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, फिर वेट करते रहो, फिर अंदर जाओ, फिर बात करो, फिर प्रिंसिपल पूछते हैं 15 सवाल, फिर वो बोलते हैं जी आप खुद अरेंज करो और हमें लिख कर दे दो, हम प्रिंट कर दे, हम स्टैंप लगा देंगे. तो ये सब जो ड्रामा है ना, ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे मांगेंगे ये डॉक्यूमेंट. ऐसा डॉक्यूमेंट दिखता है, अब आप समझ गए हैं. अगली चीज पर चलते हैं. नंबर 10 इज करिकुलम. ये सिर्फ तब देना होता है जब आपसे मांगा जाए. अब करिकुलम तो हमें मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी मैंने बनवाया था पूरा करिकुलम. इतनी मोटी कॉपी 250 या 300 पेजेस की, उसमें भी पूरा 1 महीना लगा था और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जाकर बनवाया था मैंने. उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, करिकुलम आपसे नहीं मांगा जाएगा, पक्की बात नहीं मांगा जाएगा. मैंने करिकुलम इसलिए दिया था क्योंकि मैं चेक करवाना चाहता था कि क्या मेरी डिग्री इक्विवेलेंट है या नहीं. उसके लिए उन्होंने मेरा करिकुलम लिया, 550 यूरो लिए, 6 महीने लगाए टेस्ट करने में और फाइनली बोला जी इक्विवेलेंट नहीं है, आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा. तो 550 यूरो बचा लो अपने, करिकुलम की 1 महीने की मेहनत भी बचा लो, एग्जाम तो आपको देना ही है, चुपचाप आओ और एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो पहले दिन, ठीक है ना. कोई जरूरत नहीं करिकुलम का ड्रामा करने की. नेक्स्ट, बेरूफ्ट सू लासूंग्स को खुंड. अब ये है कमाल की चीज़. अब जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि यार MCR रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो ये है नंबर 11. नाकवाइज ये बड़ी बेरेस्टे गुंग सू उन आइन गे शरैंकिंग आउस क्यू गुंग दस एट्स लिशस बेरूफ इस इम हाई मातलान आउ किश आउस किश टेल फॉन देर डॉट सू स्टेंडिगन बेहर. ये है प्रूफ जो आपसे मांग रहे हैं कि क्या आप एज अ डॉक्टर अपनी कंट्री में, अपनी होम कंट्री में, हाई मार्टलैंड में, वहाँ की मेडिकल काउंसिल से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट जो प्रूव करे कि आप डॉक्टर हैं और अलाउड हैं एज अ डॉक्टर काम करने का. दिस इज़ व्हाट MCR रजिस्ट्रेशन इज, दिस इज़ व्हाट DMC रजिस्ट्रेशन इज. मेरे पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है. लोग अब जो बाहर से अपनी PG कर बाहर से अपना MBBS कर आएंगे, इंडोनेशिया, यूक्रेन, रशिया, उन लोगों को MCR रजिस्ट्रेशन मिलेगा. उसके लिए उनको एग्जाम देना पड़ेगा, बट आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको बेरूस अलाउडनेस भी लेना है. आगे चलते हैं. नंबर 12 इज BCA एथाइल टेबेरूस अलाउडनेस. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तब भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है स्टेट में. ये उन लोगों के लिए, अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं और सिर्फ एक ही स्टेट में रहते हैं, उसके लिए आपका ये लागू नहीं होता. सिर्फ उन स्पेशल केसेस के. और मेरे कई व्यूअर्स हैं जो ये सवाल पूछते हैं, जो ये कहते हैं कि शादी हो रखी है, उनके पति या पत्नी की नौकरी अब शिफ्ट होकर दूसरी स्टेट में चली गई है, वो साथ चले गए हैं, बट उनका जो बेरूस अलाउडनेस था वो दूसरी स्टेट में रजिस्टर हुआ हुआ था. क्या उनको री रजिस्टर करने की ज़रूरत है व्हेन दे मूव टू अ न्यू स्टेट? आंसर इज यस. यही प्रूफ उनको देना पड़ता है. 13th, नाकवाइज यू वाइटर अब्सोल्वियट ऑफ स्पेसिफिश आउसबिल्डंग्स गिंग. अगर आपने, जैसे मैंने JRship करी थी 1 साल की, तो JRship का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि क्या आपने काम किया है. अब यही चीज़ अगर आपने किसी और कंट्री में भी काम किया है तो आप उसका प्रूफ भी लेकर जा सकते हैं. चाइना से MBBS करने के बाद आपने चाइना में काम किया था एज JR और फिर आप इंडिया में आए, तो वो प्रूफ भी आप सबमिट कर सकते हैं. ये वो मांग रहे हैं. अकवाइज BCR का बेरूफ स्टेटिश गाइड, वही चीज़ पूछ रहे हैं आपसे कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं. 15th, सर्टिफिकेट ऑफ करंट प्रोफेशनल स्टेटस और सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग. ये भी आप इंडिया में लेकर आ सकते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग मैंने जब अप्लाई किया था वो ये था, दिल्ली, लेट्स सी, DMC गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट. और आप इस पे एंटर मारोगे ना, और ये रहा पॉइंट, और ये आ गया फॉर्म. इस पे आप अपना डिक्लेरेशन दोगे, उनको 1000 रुपये दोगे, फिर वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनाकर आपके घर पे भेज देंगे ना. और दिल्ली के लिए मैंने किया था, आप किसी भी और सिटी में अगर काम करते हो तो फिर वहाँ से बनवा सकते हो, किसी भी और स्टेट में काम करते हो वहाँ से बनवा सकते हो. गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनता है, इंडिया से लेकर आना है. 16th, नाकवाइस यू आर डॉयच केंटनेस. अब ये तो आपको चाहिए ना, जर्मन सीख कर आओगे तभी तो आप बेरूस अलाउडनेस के लिए अप्लाई करोगे. बेरूस अलाउडनेस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट. एंड 17th इज स्टेलन नाकवाइस, मतलब
जॉब ऑफर कैसा दिखता है ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ऐसा दिखता है, ये मेरा पहला जॉब ऑफर था यूनिवर्सिटी क्लिनिक हम्बुर्ग एपेंडॉर्फ से, हेपेटोबिलरी एंड ट्रांसप्लांट शिरोगी ने बोला था ये। सो फॉर लागर बाय लैंडर्स प्रूफिंग्स आम बाय डाउसलैंडर बेहर्डर स्टेलन से उजागर फैन अभी फ्रिस्ट डिफरेट इन द क्लिनिक ला 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 ला, और फिर इसे साइन करके भेज दिया। तो ये था मेरा जॉब ऑफर जिसके वजह से मुझे बेरूस अलाउडनेस मिला एंड मेरा वीज़ा फ्रॉम जॉब सीकर्स वीज़ा से वर्कर्स वीज़ा में शिफ्ट हो गया या चेंज हो गया। गुड, ये थी रिक्वायरमेंट्स बेरूस अलाउडनेस की। लंबी वीडियो बन गई बट आई होप इससे आपकी मदद हो। दैट्स इट, ये थी वीडियो। अब कोई सवाल आया मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। लाइक करोगे तो ज़्यादा लोगों को ये वीडियो डिस्ट्रीब्यूट होगी ताकि मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ। और सब्सक्राइब करो, 90% लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, नॉन सब्सक्राइब्ड होते हैं। तो जितना सब्सक्राइब करोगे उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतना मेरा चैनल ग्रो करेगा, उतने लोगों की मदद कर पाऊंगा मैं। लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, मुझे बहुत मज़ा आता है आपकी मदद करने में। आई होप आपकी इस वीडियो से काफ़ी मदद हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।